दोस्तों हमारे सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड की न्यूली लॉन्च्ड मेडोलियन ब्रोंज, कलर है इसका। और हाल फिलहाल में रॉयल इनफील्ड ने अपनी क्लासिक में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि उन्होंने इस बाइक में क्या क्या चेंज किए हैं, आपको इस बाइक में क्या क्या नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप इसका कलर देख पा रहे होंगे, इसका कलर बिल्कुल चेंज कर दिया है। और ना कि केवल कलर चेंज किया है बल्कि कुछ ऐसे फीचर्स भी चेंज हुए हैं इसमें जिसकी शायद हर कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा नीड थी। तो ये है मेडोलियन ब्रोंज कलर। और हम बात करते हैं इसकी हेडलाइट से, ठीक है। तो इसकी केसिंग आप देख रहे हैं, ये हमारी प्लेन कलर में है। और इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारे फॉर्क ट्यूब है तो ये भी हमारे प्लेन कलर में है। और बात करें मडगार्ड की, तो मडगार्ड पर आपको एक स्ट्राइप देखने को मिलेगी जो कि हैंडमेड है, जैसा कि हमें स्टैंडर्ड के फ्यूल टैंक पे देखने को मिलती थी। बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो उसका फ्यूल टैंक आपको अब डुअल टोन में देखने को मिलेगा जो कि ब्रोंज प्लस ऑफ वाइट है। और बात करें इस लोगो की, तो ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर क्लासिक का स्टिकर लगकर आता था, अब रॉयल इनफील्ड का बैच लगकर आ रहा है जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम और खूबसूरत लग रहा है। इसको पास से दिखाता हूँ और आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ये एक स्टिकर है, ये हैंडमेड नहीं है, ये स्टिकर है। इसको हाथ से नहीं बनाया, ये फाइनली स्टिकर है। और अगर मैं इधर से दिखाऊँ तो इधर से भी सेम साइड आपको दिखेगी। इसका ओवल बॉक्स है वो भी ब्रोंज कलर में देखने को मिलेगा, जो इस पर थोड़ा सा आप देखेंगे पास है ना, तो ग्लिटर टाइप आपको नजर आएगा, जो स्टारिश जो कलर होता है ना, ये देख पा रहे हैं आप। और जो इसका एयर फिल्टर बॉक्स है, ये साइड पैनल्स बोले तो वो भी आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा। और ये स्टिकर, ओवर स्टिकर है ये, जो कि ऑफ वाइट कलर का है। के रियर मडगार्ड की, तो उसका रियर मडगार्ड पे भी आपको हैंडमेड स्ट्राइप देखने को मिलेगी जो कि देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रही है। अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 350 cc का इंजन देखने को मिलेगा जो कि 4000 rpm पर 27 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा एज यूजुअल, जैसा कि हमारी पहले वाली बाइक करती थी। लेकिन अब इस इंजन का नाम चेंज कर दिया है, नाम तो वही है लेकिन ये है वर्जन A3, J1 A3। पहले की जो बाइक थी उसमें वर्जन A2 देखने को मिलता था। और इसको A3 करने का मतलब क्या है वो भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट की, तो फाइनली रॉयल इनफील्ड ने अब अपनी क्लासिक की हेडलाइट को चेंज कर दिया है। पहले हमें हेलोजन बल्ब देखने को मिलते थे जो कि इतने ना कि ड्यूरेबल थे और ना ही इतने ब्राइट थे। अब हम अपनी क्लासिक में LED हेडलाइट सेटअप को देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ड्यूरेबल है। और जो इसके ये टाइगर आई थी, इनको भी LED कर दिया है। मैं अभी आपको इसको जला कर दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये LED कर दिया है। जो दूसरा चेंज किया है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। पहले हमको यहाँ गियर देखने को नहीं मिलते थे कि गाड़ी हमारी कौन से गियर में है, फाइनली हम चलते चलते पता कर पाएंगे कि हम कौन सी गियर में अपनी बाइक को राइड कर रहे हैं। चेंज है वो है इसके चार्जिंग पोर्ट को लेकर। पहले हमको USB टाइप देखने को मिलता था और फाइनली अब टाइप सी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो चार्जर हैं वो टाइप सी आ रहे हैं। तो अब हम एक ही केबल केयर करके चल सकते हैं, हमको दूसरी केबल खरीदने की जरूरत नहीं है। अब इसके मास्टर सेंटर को देख रहे हो, यहाँ पर भी इन्होंने एक हल्का सा चेंज किया है जो कि है ये स्टिकर। ये स्टिकर लगने के बाद में ये थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है। अगर बात करूँ इसके टॉप मॉडल की, तो वहाँ आपको एडजस्टेबल लीवर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको यहाँ पर एक नेविगेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इस बाइक के आप ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं या इस बाइक के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं हर किसी के कमेंट का अक्सर रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।